माझी ईश्वरक नाम करूँ तो आखिरकार पहली बार बीजेपी ने ओडिशा में अपनी सरकार बना ही ली है। मोहन मांझी ने सत्ता की कमान संभाल ली है, लेकिन उनके साथ दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी लागू है। ये वही फॉर्मूला है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा के ही पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी अपनाया गया है। दरअसल बीजेपी हर हाल में ओडिशा में अपनी सरकार बनाना चाहती थी, जहां वो तीसरे नंबर की पार्टी थी। ओडिशा की 15 विधानसभा की सीटों पर आदिवासी आबादी 55% से ज्यादा है, और वहीं करीब 35 सीटों पर आदिवासी आबादी करीब 30% से ज्यादा है। बीजेपी ने इन सीटों के लिए खास रणनीति बनाई और ये प्लानिंग काम भी कर गई, और इसका नतीजा ये है कि बीजेपी अब सत्ता संभाल चुकी है। इससे पहले मंगलवार को ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के चुनाव करने के लिए आयोजित बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव मौजूद थे। आदिवासी बहुल इस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी ने आदिवासी का ही चयन किया, जो सबको चौंका गया। लेकिन इसके पीछे कारण है, ओडिशा की 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी में आदिवासियों की जनसंख्या करीब 1 करोड़ होना, यानी 25%। छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी ने आदिवासी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। दरअसल बीजेपी की नज़र देश के आदिवासी वोटर्स पर खासी है, और इसी उद्देश्य के लिए बीजेपी ने राष्ट्रपति पद के लिए ओडिशा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू के नाम का चयन किया। आदिवासियों को संदेश देने के लिए ही बीजेपी ने ओडिशा के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुना। साय को मुख्यमंत्री बनाने में आदिवासी समाज का एक योगदान भी बड़ा माना जाता है, और इसीलिए यह फैसला हुआ। माना गया कि एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री एक आदिवासी को बनाने में बीजेपी को ओडिशा में एक बड़ी सफलता दिला दी। ओडिशा में भी आदिवासियों के लिए 24 सीटें आरक्षित थी, और इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने ही जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि ओडिशा विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने पहली बार बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। ओडिशा की विधानसभा में कुल 147 सीटें हैं। बीजेपी ने इनमें से 78 सीटों को जीत कर एक रिकॉर्ड बनाया, अपने लिए रिकॉर्ड बनाया। जबकि नवीन पटनायक की बीजेडी को 51, कांग्रेस को 14, सीपीआईएम को 1 और अन्य लोगों को 3 सीटें ही हासिल हो पाई। बुधवार की शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड के सीएम भी भुवनेश्वर की जनता मैदान में मौजूद थे। बीजेपी के लिए यह ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि पार्टी ने पहली बार इस राज्य में सरकार बनाई। इतना ही नहीं, विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को बड़ी कामयाबी यहां से मिली है। केंद्र में उसकी सरकार बनने के पीछे ओडिशा का बेहद अहम योगदान कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज की। राज्य की 21 सीटें हैं, बीजेपी को 20 मिल गई, कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई, बीजेपी और अन्य दलों को 1 भी सीट नहीं मिली। जबकि 2019 में बीजेपी को 8, बीजेडी को 12 और कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी, यानी बीजेपी को इस बार 12 सीटों का फायदा हुआ। आइए आपको यह भी बताते हैं कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद क्या क्या वादे हैं जो बीजेपी पूरे करने वाली है। दरअसल बीजेपी के घोषणा पत्र में जिक्र है, यहां पर 2 सालों में 65,000 पदों पर भर्ती पूरी की जाएगी। इसके अलावा 2029 तक 3.5 लाख से ज्यादा नौकरियां बीजेपी पैदा करेगी। धान खरीदी के दौरान 3,100 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान का वादा भी किया गया है। बीजेपी ने सुभद्रा योजना शुरू करने का भी वादा किया है, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 50,000 रुपए का नकद वाउचर मिलेगा, जिसे 2 सालों में भुनाया जा सकेगा। अब बीजेडी की हार की बात कर लेते हैं, क्या कारण रहे? हार का सबसे बड़ा कारण था आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश करने वाले उनके पूर्व निजी सचिव वीके पांडियन को पार्टी की कमान पूरी तरह थमा देना। यह हमने बल्कि जानकार कहते हैं कि पांडियन, जो पिछली अक्टूबर तक उनके निजी सचिव हुआ करते थे, वो नौकरी से इस्तीफा देकर बीजेडी में शामिल हुए। चुनाव के दौरान उन्होंने न केवल प्रत्याशियों का चयन किया, बल्कि पार्टी की ओर से प्रचार का पूरा जिम्मा अपने हाथों में लिया।
पार्टी के स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट थी, नाम तो 40 थे लेकिन 40 दिनों के प्रचार में केवल पांडियन और कभी कभार नवीन पटनायक ही नजर आए और कोई नेता मंच पर नजर भी नहीं आया, ना ही कोई रोड शो बड़ा हुआ। पार्टी और सरकार के सारे फैसले पांडियन ही लिया करते रहे। जानकार ये भी मानते हैं कि नवीन पटनायक के स्वास्थ्य और सरकार और पार्टी में उनकी घटती और पांडियन की बढ़ती भूमिका को लेकर अफवाहों का बाजार भी खूब गर्म रहा और पार्टी को इसका अच्छा खासा खामियाजा भी उठाना पड़ा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी भुना ही रही थी मुद्दों को। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उड़िया अस्मिता को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा भी बनाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर नवीन पटनायक को खूब घेरते हुए नजर आए। इसके अलावा महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर के रत्न भंडार की चाबी के मसले पर भी बीजेपी ने बीजेडी को खूब घेरा। ये मुद्दा सीधे जनता को छुआ क्योंकि ये धार्मिक मान्यता का मामला है। इसके पीछे वजह यह है कि 1978 के बाद रत्न भंडार कभी नहीं खोला गया। इससे लोगों में ये धारणा बनी कि रत्न भंडार के हीरे जवाहरात में से शायद कुछ गायब कर दिए गए हों। खैर, जो भी हो, सरकार तो बीजेपी ने बना ली। बीजेडी को हराकर बीजेपी सरकार में है, लेकिन ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कई समीकरण भी बदल जाने वाले हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी पर भी इसका असर होगा, खासतौर पर उन सीटों पर जो ओडिशा से सटी हुई हैं बंगाल की, और यहां आदिवासियों की बाहुल्यता है। बीजेपी सीधे आदिवासियों पर फोकस कर काम कर रही है और आने वाले वक्त में बंगाल में भी इसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी जरूर तौर पर करेगी। दूसरी तरफ झारखंड की बात कर लें तो झारखंड में विधानसभा चुनाव करीब हैं और इसको देखते हुए भी बीजेपी ने ओडिशा में आदिवासी सीएम बनाकर वहां साधने की कोशिश की है, क्योंकि झारखंड में भी आदिवासियों की बाहुल्यता है और ऐसे में बीजेपी आदिवासी पर फोकस पॉलिटिक्स कर रही है और पूरा जोर देती हुई नजर आ रही है।